ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करवाएंगे, हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कब मुलाकात करवाएंगे। तो हमारी विभिन्न मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। अंदर कार्यकर्ताओं ने दखा मुखे, खतरा जरूर है हमें, लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। मारेंगे तो हम मार खाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, हमारी लाशें यहाँ से जाएंगे। पहले भी धमकी दे रहे हैं कि आपको यहाँ से जेल में ले जाएंगे, उठा देंगे, अब देखते क्या होता है, जेल में डालते क्या मारते, तब सब तरह से तैयार। राजस्थान के बेरोजगारों ने लंबित मांगों को लेकर अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो राजस्थान के जो बेरोजगार हैं वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर अब एकत्रित हो गए हैं और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के लिए अड़े हुए हैं। बेरोजगार नेता उपेन यादव इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, इन्हीं के नेतृत्व में तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। उपेन यादव जी, क्या बातचीत रही, चूँकि शायद इसके पहले भी आप उत्तर प्रदेश कूच कर चुके हैं, किस रणनीति के साथ आपने उत्तर प्रदेश को? हमने कहा आश्वासन ही परिणाम चाहिए, पहले दिन से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करवाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कब मुलाकात करवाएंगे। तो हमारी विभिन्न मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। हमने एक नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश में या तो मरेंगे या जीतेंगे। अब हमें मारेंगे तो क्यों, पहले आए तो सुबह बदतमीजी भी हमारे साथ मारने, धक्खामुक्की भी की हमारे साथ, धमकी भी दी मारने की, खतरा जरूर है हमें, लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। मारेंगे तो हम मार खाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, हमारी लाशें यहाँ से जाएंगे। किन लोगों से आपको खतरा है और किन लोगों ने आपके साथ धक्का मुक्की किया? अंदर कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, उन्होंने कार्यकर्ता बिल्कुल वही होंगे, अंदर तो वही होंगे और कौन होंगे। अच्छा, और पुलिस की ओर से क्या बातचीत रही, क्या बात? अभी धमकी दे रहे हैं कि आपको यहाँ से जेल में ले जाएंगे, उठा देंगे, अब देखते क्या होता, जेल में डालते क्या मारते, तब सब तरह से तैयार। उपेन, मुझे जानकारी मिली कि पिछले कई दिनों से आप वहाँ पे राजधानी जयपुर में भी धरने पर बैठे हुए थे, तो कितने दिनों से आप वहाँ पर बैठे हुए थे और सरकार से आपकी उस दरमियाँ क्या बातचीत? पिछले 44 दिन से बैठे हुए हैं, आसपास से मिला परिणाम नहीं मिला, परिणाम के लिए हम आए। जब मुख्यमंत्री के सलाहकार दानिश अबरार भी शायद आपसे बातचीत करने के लिए वहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचे थे, उनसे क्या बातचीत रही आपकी? वो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया उन्होंने, फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने 48 घंटे का टाइम लिया था, क्योंकि हम 24 तारीख को आ रहे थे, इसलिए हमने टाइम दिया, और अब 26 को यहाँ कल कूच किया, अब 27 को आज यहाँ अनशन शुरू कर दिया, मैं अनशन पे हूँ अभी। अच्छा, तो वहाँ से क्या सरकार से मतलब आपका बिल्कुल संवाद ही खत्म हो गया है क्या? तभी तो यहाँ आए, कोई सुन नहीं रहा था। 44 दिन से हमने दीपावली, दशहरा, गोवर्धन पूजा, सारे त्यौहार हमने वहाँ बनाए और सुन नहीं रहे थे, इसलिए हम यहाँ आए और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। तो यहाँ पर आप लोगों की क्या विशेष रणनीति रहेगी, कब तक आप इस तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे, चूँकि यहाँ पर महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं? अभी तक और लोग आएंगे राजस्थान से, अभी केवल आर्थिक हालात हमारे गंभीर थे तो कुछ लोग आए हैं और धीरे धीरे और लोग निकलेंगे, हमने यहाँ मापड़ाव शुरू कर दिया। तो क्या अब कांग्रेस कार्यालय के बाहर जब तक आप लोगों की मांगे लंबित रहेंगे, आप बैठे रहेंगे? बिल्कुल यहीं बैठे रहेंगे। तो क्या प्रियंका गांधी से मुलाकात की आपने, बात रखी, तो क्या आश्वासन दिया गया? कह रहे हैं कोशिश करें मिलवाने के लिए। किसने बोला आपसे? वहाँ यह कांग्रेस के महासचिव है दिनेश कुमार जी, उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बोला, तो कब मुलाकात करवाएंगे प्रियंका? वो बात कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बात कर रहे हैं। अच्छा, उपेन जी, मैं एक बार चाह रहा हूँ कि आप अपनी मांगे बता देते कि कौन से वो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेके यहाँ पर आप अनशन पर आए। देखो, नर्सिंग भर्ती 2013 हो, विशेष शिक्षकों को 5000 पद निकालने की मांग हो, रीट 2021 में पद बढ़ाने की मांग है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, रीट 2018 है, और स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी पद जोड़ने का मामला है, पंचायत राज एलडीसी है, टेक्निक हेल्पर है, कंप्यूटर भर्ती है, चिकित्सा विभाग भर्ती निकालने की मांग है, और चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे प्रयोगशाला सहित पंचायत राज एलडीसी हो, पंचायत राज जैन हो, और कंप्यूटर अनुदेशक हो, तमाम 90 भर्तियों के साथ नई भर्ती निकालने की मांग है, और 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो, भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर जारी हो, मुकदमे वापस हो, और बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन जारी है पिछले 44 दिन से, उन मांगों के लिए जो उसमें प्रमुख तौर से वो भी शामिल है जो 23 फरवरी 2021 को समझौता होता है, जो दो मंत्रियों रात को 12 बजे आकर समझौता करवाया था, आप बैनर में देख सकते हो समझौते की कॉपी लगी हुई है, और उन्हीं चीज़ सभी को लेकर हम यहाँ आए। तो ये थे बेरोजगार नेता उपेन यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर यूं ही डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, डिफैक्ट इंडिया, लखनऊ।